नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 24 अप्रैल, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है, जहां बीते दिन आए मामले के बाद कोरोना प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 170 पर पहुंच गई है। खबरों की माने तो उक्त जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना से मिली है। वहीं बिहार में लगातार कोरोना के मामले के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने पर सख्ती दिखाने की अपील की है। बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। बीपीएससी 65वीं की मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद अब सभी अभ्यर्थी 4 मई 2020 से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी उम्मीदवारों को बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख 28 मई है। वहीं इसके साथ ही बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से यह भी साफ कर दिया है कि जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसकी अगली डेट की सुबह 11 बजे के बाद परीक्षा शुरू का ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। महज 9 दिन में बन जाएगा राशन कार्ड। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड आने वाले 9 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसके लिए जीवन कर्मियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और जाँच और अनुशंसा की समय सीमा तय की जाएगी। इस मामले में भी 2 और 7 कार्य दिवस का वक्त है। वहीं अब और सुनवाई की समय सीमा को 21 और 15 कार्य दिवस की जगह घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देख सीएम ने लोगों से की अपील। बिहार में कोरोना के मामले को बढ़ता देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते एक दिन में बिहार के 17 मामले को देखते हुए लोगों से ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं छिपाने की अपील की है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है, साथ ही लोगों से सहयोग की अपील भी की और बंद का पालन सही तरीके से करने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जाने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड को बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बीते दिन गहन समीक्षा की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने की अपील भी की है, जिसके बाद सभी अस्पताल में एक्स्ट्रा वार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में 1 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों के बैंक खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई। बिहार राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के खाते में राशि भेजने का काम कर दिया गया है, जिसके तहत पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के 1 करोड़ से अधिक छात्रों को उनके खाते में सरकार के विभिन्न इलाकों योजना के करीब 3100 करोड़ शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। खबरों की माने तो 75% हाजिरी वाले बाकी बचे विद्यार्थियों के खाते में भी अगले 4-5 दिनों में राशि चली जाएगी। बंद को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति योजना की राशि 12वीं तक के विद्यार्थियों के खाते में 23 मार्च तक भेजने का ऐलान जारी किया था। नहीं, आपको बता दें, ये पैसे पोशाक, साइकिल प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य समेत अन्य योजनाओं के लिए सभी छात्रों सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। बार बार हो रही बारिश की वजह से लीची की फसल खराब होने की आशंका बढ़ी। बेमौसम बार बार हो रही बरसात का असर लीची के फसलों पर देखने को मिल सकता है। लीची उत्पादकों की माने तो इससे लीची की फसल खराब हो सकती है। हालांकि सरकार ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि किसी भी किसान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार फसल बर्बाद होने पर उनकी मदद के लिए खड़ी है। हालांकि फल के समुचित विधि को लेकर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए यह कहा है कि इस वक्त के वर्षा लीची एवं आम दोनों फलों के बाग के फूल के समुचित वृद्धि में सहायक होगी। इससे किसानों को सिंचाई कम करनी पड़ेगी। बंद की वजह से बिहार में भीषण वित्तीय समस्या हो सकती है उत्पन्न। उक्त जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती व वर्तमान बंद के दौर में राजस्व संग्रह के कारण केंद्र और बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय समस्या के दौर से गुजर रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार से FRBM एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पादों के 3% तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर 4% करने की मांग की है। इसके साथ ही पहली बार सरकार ने RBI से राज्य की सिंकिंग फंडिंग की राशि में 7035 करोड़ की राशि देने की मांग की है। ऑनलाइन बिजली जमा करवाने पर अब मिलेगी और छूट। सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत ऑनलाइन जो भी जमा करवा रहे हैं अब उन्हें दुगनी छूट मिलेगी। खबरों की माने तो ऑनलाइन बिजली बिल जमा करवाने पर अब 1% के बजाय 2% छूट मिलेगी। वहीं सभी उपभोक्ताओं को यह सुविधा 30 जून तक दी जाएगी। वहीं बिजली कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली जमा करवाने पर 1.5% की छूट मिलती थी, लेकिन ऑनलाइन बिल जमा करवाने पर ग्राहकों को 1% की छूट मिलती थी, जो कि बढ़ाकर 2% कर दी गई है।
शहरों में भी अब खोले जाएंगे छड़ और सीमेंट की दुकानें। बंद के आदेश के बीच निर्माण कार्य को शुरू करवाए जाने के बाद जगह जगह पर छड़ और सीमेंट की दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब शहर में भी निर्माण कार्य के सामानों की दुकान को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए सभी डीएम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि निर्माण सामग्रियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। खबरों की माने तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के आलोक में निर्माण सामग्री, गिट्टी, सीमेंट, छड़ आदि की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। बिहार के 18 जिलों में बारिश होने की जताई गई संभावना। बिहार के 18 जिलों में आंधी के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत बिहार के उत्तरी हिस्से में आंधी के साथ साथ तेज बारिश होगी, जबकि दक्षिण हिस्से में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बीते दिन सुबह से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए देखे गए थे, जिसके बाद बारिश होने के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में सर्किल का क्षेत्र बढ़ गया है, जिसकी वजह से बारिश की संभावनाएं बढ़ गई है। मिड डे मील बनाने वालों को अब मिलेगी ज्यादा पैसे। मिड डे मील बनाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अहम सूचना। सरकार ने मिड डे मील बनाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए उन्हें दिए जाने वाले वेतन में 11% की बढ़ोतरी करने का फैसला जारी किया है। खबरों की माने तो यह रेट 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। पिछले साल के मुकाबले कुकिंग कास्ट में यह बड़ी बढ़ोतरी है, जिसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। प्राइमरी स्तर पर पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के हिसाब से दिन में 4.97 रुपए मिलेंगे, जबकि अपर प्राइमरी के प्रत्येक छात्रों के लिए हर दिन 7.45 रुपए मिलेंगे। रामविलास पासवान ने 14 लाख लोगों को अनाज देने के लिए बिहार सरकार से मांगी सूची। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार से सूची की मांग करते हुए 14 लाख लोगों को अनाज देने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा कि बिहार सरकार उन 14 लाख लोगों की सूची शीघ्र भेजे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनके लिए अनाज भेजा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूरे देश में 71 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलने वाला है, लेकिन उन्हें अब तक 39 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है, जिसके तहत परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिहार में 2 सीनियर IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में 2 सीनियर IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसकी जानकारी गृह विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि IPS रविंद्र सिंह भट्टी को BMP का ADG बनाया जा रहा है। इसके साथ ही IPS संजीव कुमार सिंघल को बिहार होमगार्ड का नया DG बनाया गया है। खबरों की माने तो यह दोनों अधिकारी 1988 बैच के सीनियर IPS अफसर हैं। बिहार में बुक स्टोर खोलने का जारी किया गया आदेश। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बावजूद बिहार में फिलहाल बुक स्टोर खोलने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके तहत पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमारी ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा था कि जो भी विक्रेता या स्कूल प्रशासन किताबों को वितरित करेगा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी। हालांकि अब सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी करते हुए किताबों की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं गृह विभाग ने सभी दुकानों के खुलने का अलग अलग समय सीमा तय किया है। बिहार में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने की कही गई बात। जब से कोरोना के बढ़ते असर की वजह से बंद का ऐलान हुआ है, तब से सरकार बिहार में खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं होने का आश्वासन दे रही है। इसी क्रम में अब बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव पंकज पाल ने बयान जारी करते हुए यह साफ कहा है कि राज्य में खाने की कोई कमी नहीं है, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने खराब अनाज बांटने वाले, साथ ही गरीबों को अनाज से वंचित रखने वाले पर भी सख्त से सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है, क्योंकि बीते दिन ऐसी खबरें आ रही थी कि कई राशन की दुकानों में खराब सामान मिल रहा है। बिहार में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हाथ धोने के साथ साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क के बिना घर से बाहर निकलने वाले लोग पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में अब बिहार में मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि बिहार में आम लोगों के साथ साथ सब्जी और फल बेचने वाले दुकानदार, किराना दुकानदार, अन्य तरह के व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले के साथ साथ सफाईकर्मी, सभी लोगों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। पटना यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन तो 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। कोरोना के बढ़ते असर के कारण हुए फेरबदल के बाद अब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। खबरों की माने तो इच्छुक छात्र 30 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिसके लिए सभी छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.patnayuniversity.ac.in पर जाकर आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। कार्गो विमान से बंगाल पहुंचे प्रशांत किशोर। कोरोना के बढ़ते असर के बीच राजनीति भी जोर शोर से चालू है। इसी क्रम में कार्गो विमान से प्रशांत किशोर के बंगाल पहुंचने पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा और जदयू ने बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन दोनों पार्टियों ने कहा है कि कोरोना को संभाल पाने में विफल रहने के बाद ममता बनर्जी ने मेकओवर के लिए प्रशांत किशोर को बंद के बीच में कोलकाता बुलाया है। वहीं बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिलानंद ने कहा कि पश्चिम बंगाल कोरोना को संभालने में पूरी तरह असफल रहा, यही कारण है कि प्रशांत किशोर अब बंगाल पहुंच गए हैं।
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि नैतिकता, मर्यादा और नियमों के ताक पर रख मानवीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे हस्तक्षेप कर अपने रिश्तेदार का निलंबन क्यों रुकवाया। उस अधिकारी के खिलाफ सारे सबूत होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर जवाब देंगे या जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। आपको बता दें, भाजपा विधायक अनिल सिंह का कोटा के लिए पास जारी करने के मामले में सरकार ने नवादा सदर के SDO को काम से निकाल दिया था। वहीं मुजफ्फरपुर में ऐसे ही मामले आने के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया है। जीतन राम मांझी के बंद के नियमों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अपना बयान। जीतन राम मांझी द्वारा बंद के नियमों का पालन किए बगैर दूसरे जिले का भ्रमण करने के मामले सामने आने के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। किसी को आवश्यक है तभी घर से बाहर निकले, आम हो या खास, सभी को बंद का पालन करना जरूरी है। बीते दिन जीतन राम मांझी अपने काफिले के साथ नालंदा जिले के लिए निकले थे, जहां पर साफ तौर पर बंद के नियमों का पालन करते नहीं देखे गए थे। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा शुरू किए गए उपवास कार्यक्रम में सभी नेता कार्यकर्ता अपने अपने घर में करेंगे उपवास। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा उपवास कार्यक्रम के आयोजन के बाद इस कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत 25 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में सभी नेता कार्यकर्ता को अपने अपने घरों पर ही उपवास रखने का निर्देश जारी किया गया है। खबरों की माने तो रालोसपा प्रमुख ने बिहार सरकार के सामने 7 मांगे रखी थी, जिसके नहीं माने जाने पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपवास पर जाएंगे। हरभजन सिंह के दावे पर रोहित शर्मा ने दिया बयान। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह के बयान देते हुए यह कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अब टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, जिसका जवाब देते हुए भारतीय टीम के वर्तमान खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें धोनी के भविष्य पर कुछ नहीं पता है, अभी टीम इंडिया को भी इसकी जानकारी नहीं है। MS धोनी क्रिकेट नहीं खेलते तो वह अंडरग्राउंड हो जाते हैं। फैंस को धोनी से जाकर खुद पूछना पड़ेगा कि वह क्या करने वाले हैं, हम किसी को भी नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल के बाद टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बने हैं। वेस्टइंडीज दौरे के लिए उन्होंने आर्मी में ट्रेनिंग के लिए छुट्टी मांगी थी, के बाद टीम इंडिया में उन्हें चुना नहीं गया था। नए अपडेट के साथ ज्यादा सिक्योर हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें जूम समेत कई तरह के मुद्दे शामिल थे। सुरक्षा से जुड़े मामलों के चलते दुनिया भर की सरकारों और निजी कंपनियों ने गोपनीय चर्चाओं के तहत जूम के उपयोग के लिए मना किया हुआ था। अब इस ऐप में नए जूम 5.0 अपडेट के साथ सिक्योरिटी को पहले से बेहतर बना दिया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इसके इस्तेमाल को संभल कर करने की अपील की गई थी। कोरोना के बढ़ते असर को देखकर अजय देवगन ने लोगों से की खास अपील। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने सभी आम नागरिकों से अपील करते हुए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है कि COVID-19 से जीतने के लिए प्रत्येक भारतीय के लिए व्यक्तिगत बॉडीगार्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, वेल सेड अजय देवगन, आरोग्य सेतु ऐप हमारी, आपकी और आपके परिवार की भी रक्षा करेगा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी सभी आम नागरिकों से आग्रह करते हुए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आलोक कुमार, आनंद कुमार, प्रभात रंजन, प्रभाकर राव, अंकिता सिंह, पिंटू सिंह, अंशु कुमारी, सुबोध यादव, महेश उस्ताद, सुरेश शाह, भक्ति टाइम, शिवानी कुमारी एक्टिंग, शिव रंजन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या सरकार के आदेशानुसार आपके आसपास के PDS दुकानों में सही ढंग से सबको राशन दिया जा रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।